हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और शिमला मिर्च की एकदम शानदार और चटपटी सब्ज़ी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/2 किलो शिमला मिर्ची लिया है, उसे मैंने डाइसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। जब वो गर्म हो गया था तो मैंने सारे शिमला मिर्ची इसमें ऐड कर दिया है और इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें फ्राई मार्क्स ना आ जाए, थोड़ा सा ये फ्राई ना हो जाए। 5 से 10 मिनट फ्राई हो जाएंगे, फिर से हम निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पे ही इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, इसमें कलर चेंज हो गया इसका। अब इसे हम प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन के तैयार भी जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। इसे निकालने के बाद अब उसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे आलू। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को कट कर लिया है। आप जो शेप का कट करना चाहे कट कर ले, मैंने यहाँ छोटे छोटे शेप का कट करके रख लिया है। और उसे भी इसको फ्राई कर लेना है। जब इसे फ्राई कलर चेंज हो जाए इस तरह, तब इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसे निकालने के बाद उसी ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज। उसे मैंने स्लाइस ही कट कर लिया था और प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हाई फ्लेम पर इसे भी हमें फ्राई करना है। शिमला मिर्ची की सब्ज़ी आपने कई बार बना के खाई होगी लेकिन इस तरह नहीं बनाई होगी, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। ये देखिए हमारा प्याज भी फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है, उसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे हम प्याज में ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक हमारा टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए। टमाटर को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, सॉफ्ट करना है। कुछ देर में ये सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत इजीली। ये देखिए कुछ देर बाद ये सॉफ्ट हो चुके हैं, बीच में हमें चम्मच चलाते ही रहना है। ये हमारे टमाटो सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिल्लीज। आप जितना भी दिखे खाते अपने हिसाब से ऐड कर दें। मैंने यहाँ 3 ग्रीन चिल्लीज लंबे लंबे कट करके ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्ची और आलू जो हमने फ्राई करके रखा था, और उसे भी मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करना। देखिए हमारी मिक्स हो गई सब्ज़ी हमारी। अब इसे हम ढक कर पकाएंगे। अगर आप चाहें तो आलू को गलाने के लिए पानी भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पर थोड़ा सा, जब तक इसका मॉइस्ट ख़त्म ना हो जाए। इसे पकाना है लो फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा आलू सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। बहुत ही अच्छी शानदार सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा आलू कितने अच्छे सॉफ्ट हो चुका है, चम्मच से ही कट रहा है, देख सकते हैं आप। इस पॉइंट पर हम इसमें टेस्ट इन्हेंसर के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है मैगी का मसाला। तो बहुत ही ईजीली हर स्टोर पर अवेलेबल होता है, इसे मैंने ऐड कर दिया है। इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। इससे आप इसे ज़रूर ऐड करें। और ये देखिए मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारी टेस्टी और शानदार सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अगर इसे आप और सूखा करना चाहते हैं तो थोड़ा देर और पका लें। मैंने इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसे सर्व कर लिया था। अगर आपको रेसिपी और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।